स्टूडेंट्स, हम पैथोजेनेसिस को कंटिन्यू करेंगे और पैथोजेनेसिस में आज हम टाइप ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक टाइप्स क्या होती हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि इन्फेक्शन होता क्या है। इन्फेक्शन की कोई एक मीनिंग नहीं हो सकती, इसकी एक से ज़्यादा मीनिंग भी हो सकते हैं इन्फेक्शन के। ठीक है, जैसा कि हम कहें कि एक पर्सन की बॉडी में बैक्टीरिया एंटर हुआ है, ठीक है, कोई इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ है, लेकिन वो इन्फेक्शन कॉज नहीं कर रहा, यानी जो पर्सन को इन्फेक्शन हुआ है वो लो पैथोजेनिसिटी वाले ऑर्गेनिज्म से हुआ है और वो उसके अंदर डिजीज़ की सिम्टम्स कॉज नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस सूरत में भी हम कहेंगे कि इन्फेक्शन है। ठीक है, और एक हो सकता है कि इन्फेक्शन हो सकता है डिजीज़ की सूरत में, बैक्टीरिया अंदर चला गया और डिजीज़ कॉज कर रहा है। तो इस तरह एक से ज़्यादा डेफिनेशन हो सकती है इन्फेक्शन की। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि बैक्टीरिया जो है वो किस तरह हमारे अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है। तो बैक्टीरिया के टू मेन मैकेनिज्म हैं जिसके ज़रिए हमारे अंदर डिजीज़ कॉज करता है। एक तो टॉक्सिन प्रोडक्शन, टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करके, दूसरा इन्वेजन और इन्फ्लेमेशन के ज़रिए। ठीक है, तो ये दो आपने स्टेप्स के नेम याद रख लेने हैं। दो प्रोसेस हैं जिनके ज़रिए बैक्टीरिया डिजीज़ कॉज करता है, एक है टॉक्सिन प्रोडक्शन और एक है इन्वेजन एंड इन्फ्लेमेशन। तो फर्स्ट हम देख लेंगे टॉक्सिन प्रोडक्शन। बैक्टीरिया टू टाइप्स के टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा था, एक होते हैं एक्सोटॉक्सिन्स और एक होते हैं एंडोटॉक्सिन्स। एक्सोटॉक्सिन्स क्या होते हैं? एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं और ये सेल से रिलीज़ हो रहे होते हैं, बैक्टीरियल सेल से। तो ये ग्राम पॉजिटिव सेल से भी रिलीज़ हो रहे होते हैं और सॉरी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से भी रिलीज़ हो रहे होते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से भी। ठीक है, दोनों बैक्टीरियल सेल से रिलीज़ हो रहे होते हैं, ये पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं इन नेचर। तो एंडो का नेम जो दिया हुआ है ना, एंडो यानी अंदर, इसलिए दिया हुआ है कि ये इंटेग्रल पार्ट होता है। ठीक है, इंटेग्रल पार्ट होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल का, और ये जो है वो लिपो पॉलीसेक्राइड होता है। तो ये सिर्फ अभी के लिए इसमें इतना ही डिफरेंस याद कर लें कि ये जो है सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होता है, क्योंकि ये इंटेग्रल पार्ट होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल का। एंडोटॉक्सिन जो है ना, ये एक्टिवली सिक्रीट नहीं हो रहे होते जिस तरह एक्सोटॉक्सिन सेल से रिलीज हो रहे होते हैं, हर किस्म के बैक्टीरियल सेल से तकरीबन रिलीज हो रहे होते हैं एक्सोटॉक्सिन। तो ये जो है एक्टिवली सिक्रीट नहीं हो रहे होते, ये इंटेग्रल पार्ट होता है और ये जो है ये जनरलाइज सिम्टम्स करता है फीवर और शॉक की, एंडोटॉक्सिन। ठीक है, तो हर बैक्टीरिया में एंडोटॉक्सिन यही काम करते हैं, फीवर और शॉक। इसका प्रोसेस आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे जब एक्सोटॉक्सिन एंडोटॉक्सिन के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, और जो एक्सोटॉक्सिन है ना, वो हर बैक्टीरिया के एक्सोटॉक्सिन डिफर करते हैं अपने नेम्स के लिहाज से और फिर आगे उसका डिजीज कॉजिंग प्रोसेस के लिहाज से वो डिफर करते हैं एक दूसरे से। तो इनकी इम्पोर्टेंट एक बात ये है कि अगर बैक्टीरिया के एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन हमारी बॉडी में हैं तो ये डिजीज़ की सिम्टम्स कॉज करेंगे, यानी बैक्टीरिया का प्रेजेंस होना ज़रूरी नहीं है। अगर एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन हमारी बॉडी में हैं और बैक्टीरिया हमने किल कर दिए किसी तरीके से, लेकिन अगर एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन हैं तो वो डिजीज़ कॉज करेंगे। जो सेकेंड टाइप है इन्वेसिव बैक्टीरिया की, तो इन्वेसिव बैक्टीरिया जो है वो लोकली जो है बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में ग्रो कर रहा होता है लोकली। ठीक है, जिस जगह पे वो इन्वेड हुआ है हमारी बॉडी में, उस जगह पे वो लोकली जो है बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में वो ग्रो कर रहा होता है और वो वहाँ पे जाके एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को इंड्यूस करा देता है। ठीक है, क्योंकि वो इन्वेसिव बैक्टीरिया, उसने इन्फ्लेमेशन करानी है, तो वो एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को इंड्यूस करा देगा हमारी बॉडी के अंदर। तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में आपको पता है कि उसके जो फीचर होते हैं, रिदमिया होगी, रिदमिया होगा यानी रेडनेस, ठीक है, एडीमा होगा, वार्म्थ और पेन, यानी जो इन्वेसिव बैक्टीरिया उसका फीचर है कि वो लोकली जो है वो इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करवा देगा उस जगह पे और बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में वहाँ पे डिवाइड होगा। अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को जो हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो हम इसको फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी ये पैथोजेनेसिस में ये सारी बेसिक टर्म्स हैं। अब हम देख लेते हैं टर्म कम्युनिकेबल से क्या क्या मतलब है, कि बहुत से इन्फेक्शन होते हैं वो कम्युनिकेबल होते हैं, यानी वो एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे स्प्रेड कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी पास कर रहे होते हैं। जैसा कि आप एग्जांपल ले लेंगे टीबी जो है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, वो कम्युनिकेबल इन्फेक्शन है क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो रहा होता है कफिंग के ज़रिए, जो एयरबोन ड्रॉपलेट्स होते हैं उनके ज़रिए वो पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र हो रहा होता है। तो ऐसे इन्फेक्शन जो हाईली कम्युनिकेबल होते हैं उन्हें कहते हैं हम कॉन्टैगस। ठीक है, ये हाईली कॉन्टेजियस हैं। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि सारे इन्फेक्शन ही कम्युनिकेबल हों, बहुत से ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो कम्युनिकेबल नहीं होते, जैसा कि आप बोचुलिज्म को देख लें। ठीक है,
बोचुलिज्म हाईली कम्युनिकेबल नहीं है, ये जो इसका जो बैक्टीरिया होता है वो एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा होता है, और उसका एक्सोटॉक्सिन हम फूड के अंदर, जब फूड के अंदर होता है, जब हम उसको इंगेस्ट करते हैं, तो फिर हमें यानी फूड के इंगेस्ट करने से होता है, तो वो कम्युनिकेबल तो ना हुआ ना, यानी हमने कंटेमिनेटेड फूड लिया तो हमारे अंदर ट्रांसमिट हुआ है। तो ये एक टर्म है जो यूज़ होगी कम्युनिकेबल बैक्टीरिया के अंदर, जो एक दूसरे से स्प्रेड हो सकते हैं पर्सन टू पर्सन थ्रू एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स, या किसी और तरह पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो सकते हैं। जो अब हम देखेंगे एपिडेमिक, एंडेमिक और पेंडेमिक में डिफरेंस। एपिडेमिक का मतलब है यानी कोई डिजीज़ एक आउटब्रेक की सूरत में, यानी वबा की सूरत में स्टार्ट हुई है, मतलब रैपिडली वो स्टार्ट हुई है, और देखते देखते जो है एक ही यानी सेम टाइम में बहुत सारे लोगों को और सेवरल कम्युनिटीज़ के अंदर स्प्रेड हो गई है, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं एपिडेमिक, यानी रैपिडली वो स्टार्ट हुई है एक आउटब्रेक, जैसे कहते हैं कि इस वायरस की आउटब्रेक आई है, बहुत सारे लोगों में फैल गई है, ठीक है, तो यानी उसी कम्युनिटी में काफ़ी सारे लोगों में फैल गई है, ठीक है, सडनली वो आई है, उसको हम कहते हैं एपिडेमिक। और अगर कोई आउटब्रेक पूरी दुनिया में फैल जाए ना, वर्ल्ड वाइड, तो उसको कहते हैं पेंडेमिक। तो एपिडेमिक और पेंडेमिक में यही फ़र्क है, यानी कोई एकदम से न्यू वायरस ने अटैक किया और बहुत सारी कम्युनिटीज पे इफेक्ट हो गया रैपिडली, तो वो आउटब्रेक की सूरत में वो एपिडेमिक होगी, और अगर वही पूरी दुनिया में फैल जाए तो वो पेंडेमिक होगा, ठीक है। एंडेमिक वो होता है कोई ऐसा इन्फेक्शन, ऐसी बीमारी, ठीक है, जो कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट हो एट लो लेवल इन स्पेसिफिक पॉपुलेशन, यानी किसी भी स्पेसिफिक पॉपुलेशन में ना वो कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट हो, ठीक है, कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट हो एट लो लेवल, लो लेवल पे, यानी वो उस एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में एंड हो रही है, ठीक है, एंडेमिक यानी वो कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है, जैसे कि अफ्रीका के अंदर मलेरिया, ठीक है। ये कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। कुछ इन्फेक्शन इन अपेरेंट और सब क्लिनिकल होते हैं, यानी वो हमारे अंदर कोई साइन और सिम्टम्स कॉज नहीं कर रहे होते, लेकिन हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो उनको, इन ऐसे इन्फेक्शन को हम इन अपेरेंट और सब क्लिनिकल कहते हैं। तो हम इसको किस तरह डिस्कवर करते हैं, इनको हम स्पेसिमन लेके उसके अंदर राइज, हमारी बॉडी के अंदर सीरम के अंदर एंटीबॉडी टाइटर राइज हो रहा होता है, तो हमें पता चलता है कि ये वाला इन्फेक्शन हमारे अंदर इस बैक्टीरिया से रिलेटेड इन्फेक्शन है, लेकिन उससे उसके कोई साइन और सिम्टम्स आ रहे नहीं हो रहे, इसलिए उसको इन अपेरेंट और सब क्लिनिकल कहते हैं, और इनको हम डिटेक्ट करते हैं बाय राइज इन एंटीबॉडी टाइटर, जब एंटीबॉडी का टाइटर ज़्यादा होता है। और कुछ इन्फेक्शन होते हैं जो हमारी बॉडी में जाकर लेटेंट हो जाते हैं, ठीक है, वो दोबारा कभी किसी स्टेज में जाके जब इम्यूनिटी सप्रेस होती है, कुछ भी होता है, वो दोबारा से रीएक्टिवेट होने के उनके चांसेस होते हैं, तो ऐसे इन्फेक्शन को लेटेंट इन्फेक्शन कहते हैं, जो हमारी लाइफ में कभी भी रीएक्टिवेट या रीअकर हो सकते हैं दोबारा से, ठीक है, रिएक्टेंस शो कर सकते हैं दोबारा से, साइन एंड सिम्टम शो कर सकते हैं, उन्हें हम लेटेंट कहते हैं। क्रोनिक कैरियर स्टेट वाले वो इन्फेक्शन होते हैं जो होस्ट के अंदर जाने के बाद जो हैं वो ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन सिम्टम, या तो सिम्टम वो प्रोड्यूस कर भी रहे होते हैं या नहीं भी कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन वो होस्ट के अंदर जो है वो ग्रो करी जा रहे होते हैं, वो एज अ क्रोनिक कैरियर एक्ट कर रहे होते हैं, यानी वो दूसरों को भी पास हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए उन्हें कैरियर कह रहे हैं, कि जिस होस्ट के अंदर ये हैं, ये इन्फेक्शन मतलब कोई भी बैक्टीरिया चला गया है और वो क्रोनिक कैरियर भी है, ठीक है, तो वो दूसरे को ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है, इसलिए ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, ये क्रोनिक कैरियर्स जो होते हैं वो कंटिन्यू टू ग्रो हमारे अंदर, कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे होते हैं विदाउट विद और विदाउट प्रोड्यूसिंग सिम्टम इन द होस्ट, जैसा कि इसकी एक बेस्ट एग्जाम्पल है टाइफॉइड, ठीक है, तो टाइफॉइड का जो बैक्टीरिया है ना, ये क्रोनिक कैरियर है, इसलिए इस ये इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है दूसरों के लिए, तो ये एक पब्लिक हेल्थ हैजर्ड है, इसकी सेफ्टी का जो है वो ध्यान रखना चाहिए ताकि ये ट्रांसमिट ना हो सके, बिकॉज इसके जो होस्ट होते हैं वो एज ए क्रोनिक कैरियर एक्ट कर रहे होते हैं। जब हम किसी भी डिजीज़ की डायग्नोसिस बना रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें टू टर्म्स और हैं जिनका पता होना चाहिए, जैसा कि नॉर्मल फ्लोरा, ठीक है, नॉर्मल फ्लोरा जो है ना, ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी बॉडी के परमानेंट रेजिडेंस होते हैं, और जो हमारी बॉडी की डिफरेंट एनाटॉमिक साइड है उन पे डिफरेंट बैक्टीरिया होते हैं, जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं वो उनका डिजीज़ से कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है, जैसे कि हमारी स्किन का नॉर्मल फ्लोरा है स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइटस, ठीक है,
और वो अगर किसी और जगह पे चला जाएगा तब वो डिजीज कॉज करेगा, लेकिन अगर वो अपनी स्पेसिफिक लोकेशन में एनाटॉमिक साइट में तो वो एज ए नॉर्मल फ्लोर एक्ट कर रहा है, ठीक है, एज ए डिफेंस मैकेनिज्म में, तो वो डिजीज़ नहीं कॉज कर रहा होता। तो हमें नॉर्मल फ्लोरा का पता होना चाहिए कि जब हमने कोई देखा है, एक ऑर्गेनिज्म हमने रिकवर किया है पेशेंट से, तो हमने देखना है कि ये एक्चुअली डिजीज़ का कॉज है या नहीं। तो उसके लिए हमें नॉर्मल फ्लोरा की टर्म के बारे में पता होना चाहिए कि नॉर्मल फ्लोरा क्या होता है और कोलोनाइजर्स क्या होते हैं। कोलोनाइजर होते हैं जो न्यू ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो कि ना ही नॉर्मल फ्लोरा के मेंबर होते हैं और ना ही वो सिम्टम्स कॉज कर रहे होते हैं, ठीक है। वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आके किसी बाहर से हमारी बॉडी में आके कॉलोनाइज कर लेता है, ठीक है। ये कॉलोनाइजर्स जो हैं ये पैथोजेनिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें जो कॉलोनाइजर्स होते हैं उन्होंने हमारी बॉडी किसी भी साइड को वहाँ पे आके इकट्ठे हो गए होते हैं, कॉलोनी बना ली होती है, लेकिन वो जो है जो उस टाइम हमें डिजीज़ हुई होती है उसका कॉज वो नहीं होते। तो फिर हमें पैथोजन और कॉलोनाइजर के अंदर जो है ना डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जब हम कोई स्पेसिमन रेस्पिरेटरी ट्रैक से लेते हैं ना, जैसे कि थ्रोट के कल्चर्स या स्पूटम के कल्चर से हम लेते हैं, तो उसमें हमें कॉलोनाइजर और पैथोजन के दरम्यान डिफरेंस करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। ये दो टर्म्स थी, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल फ्लोरा और कॉलोनाइजर्स क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि बैक्टीरियल की पैथोजेनेसिस की जो स्टेजेस हैं, जो जनरल सीक्वेंस होता है एक इन्फेक्शन की स्टेजेस का, ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन है उसकी जो स्टेजेस होंगी उसका ये जनरल सीक्वेंस है, ठीक है। ये 7 स्टेप्स हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो मोस्टली एक्सटर्नल सोर्स से एक्वायर्ड हो रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है ना वो नॉर्मल फ्लोरा के मेंबर्स भी कॉज कर रहे होते हैं, जब वो अपनी नॉर्मल लोकेशन से किसी और जगह पे चले जाएं, ठीक है, जो उनके एनाटॉमिक साइट है वहाँ से किसी सर्जरी ट्रोमा या किसी भी चीज़ की वजह से वो अपनी जगह से मतलब दूसरी जगह पे चले जाएं, तो वो वहाँ जाके डिजीज़ कॉज करेंगे, क्योंकि वो नॉर्मल फ्लोरा के तौर पर एक्ट नहीं कर रहे, वो अपनी नॉर्मल जगह पे नहीं है, ठीक है। तो ये जनरलाइज सीक्वेंस है किसी भी इन्फेक्शन की स्टेजेस हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, फर्स्ट स्टेज जो है वो है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन यानी किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से पोर्टल ऑफ एंट्री में ऑर्गेनिज्म का एंटर होना, ठीक है, यानी वो किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से यानी बाहर की जगह से हमारे अंदर एंटर हो रहा है, तो वो पोर्टल ऑफ एंट्री से जब वो एंटर हो रहा है तो बाहर से पोर्टल ऑफ एंट्री में एंटर हो रहा है तो उसको हम कहेंगे ट्रांसमिशन। तो ये था पहला स्टेप, यानी ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स से इंटू द पोर्टल ऑफ एंट्री में। अब सेकेंड स्टेप आप देखें कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर एंटर होगा, ठीक है, वो एंटर हो गया, ट्रांसमिट हो गया, अब उसने अंदर आके इवेजन करना है, यानी वो इवेड कर लेगा प्राइमरी होस्ट डिफेंसेस को सच एज स्किन और स्टमक एसिड, ठीक है, यानी पहले हमारे स्किन होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं और ये एसिड वगैरह जो भी इनेट इम्यूनिटी के सारे मेम्बर्स हैं ना उनको आके इवेड करेगा। जब हमारी बॉडी में एंटर हो गया तब उसने कर लेना है होस्ट, प्राइमरी होस्ट डिफेंसेस को उसने इवेड कर लेना है, इसको कहेंगे इवेजन। अब उसने हमारी प्राइमरी होस्ट डिफेंसेस को इवेड कर लिया, ठीक है, अब वो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन से एडहेयर होगा, ठीक है, एडहेयर होगा म्यूकस मेम्ब्रेन से। अगर बैक्टीरिया तो यूजली वो बैक्टीरियल पिलाए के जरिए एडहेयर होता है म्यूकस मेम्ब्रेन से, ठीक है, पहले वो ट्रांसमिट हो गया एक्सटर्नल सोर्स से, फिर उसने प्राइमरी होस्ट डिफेंसेस को आके इवेड किया, अब वो जो है एडहेयर होगा म्यूकस मेम्ब्रेन से। अब फोर्थ स्टेप है कॉलोनाइजेशन, यानी जिस साइड पे वो एडहेयर हो गया, एडहेयरेंस की साइड पे वो अपनी ग्रोथ करना शुरू कर देगा और वहाँ पे कॉलोनाइज हो जाएगा। कॉलोनाइजेशन होगी बाय ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एट द साइट ऑफ एडहेयरेंस। अब जो है ऑर्गेनिज्म वहाँ पे कॉलोनाइज हो गया, ठीक है, अपनी उसने वहाँ पे ग्रोथ कर ली, अब वो डिजीज सिम्टम्स कॉज करना शुरू करेगा। वो किस तरह करेगा वो पहले हमने डिस्कस कर लिया कि अगर बैक्टीरिया तो दो तरीके से करेगा, या तो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेगा या वो इन्वेजन करेगा अकम्पेन्ड बाय इन्फ्लेमेशन, ठीक है। अब सिक्स स्टेप में क्या होगा कि इन स्टेप्स के अगेंस्ट, ठीक है, डिजीज सिम्टम्स कॉज होना शुरू हो गए हैं, अब जो है हमारी बोथ जो है स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो है वो होस्ट रिस्पॉन्सेज करना शुरू कर देगी, ठीक है, हमारी इम्यूनिटी जो है वो एक्टिवेट हो चुकी है बोथ स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक, उसने जो है अब होस्ट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दी है, यानी इम्यूनिटी भी हमारी टी सेल्स बी सेल्स एंटीबॉडीज सारा कुछ जो है वो उसको बैक्टीरिया को निकालने के लिए उसने काम शुरू कर दिया है। अब 7 स्टेप में क्या होगा, या तो डिजीज़ रिजॉल्व हो जाएगी, रेजोल्यूशन हो जाएगी डिजीज़ की, या फिर उसकी प्रोग्रेशन हो जाएगी अगर हमारी इम्यूनिटी कम है तो,
होप आपको ये 7 स्टेप समझ आ गए होंगे, ठीक है, कि पहले बैक्टीरिया ने हमारे अंदर एंटर होना है, फिर उसने इवेड कर देना है हमारी जो प्राइमरी होल डिफेंसेज हैं उनको एक तरफ एक साइड पे कर देना है, ठीक है, फिर उसने हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को एडहेयर कर लेना है, वहाँ पे कोलोनाइज होना है, डिजीज सिम्टम कॉज करने है, हमारी इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी उसके खिलाफ काम करना स्टार्ट करेगी, या तो फिर डिजीज रिजोल्व हो जाएगी या फिर आगे प्रोग्रेस हो जाएगी। होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।